सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे पढ़ाई कर लो, पढ़ लो। ठीक, क्लास नाइन्थ के इस वीडियो में सब लोगों का स्वागत है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब एक्स स्क्वायर के पीछे जो संख्या होगा वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। जैसे हम लोग यहां समझने का प्रयास करते हैं, पहले गुणांक के बारे में थोड़ा मैं समझा दूं। अगर 2x स्क्वायर लिखा हुआ है तो x स्क्वायर का गुणांक हो गया 2। अगर 5x स्क्वायर लिखा हुआ है तो x स्क्वायर का गुणांक हो गया 5, क्योंकि 5x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ना, 5 गुना x स्क्वायर, तो ये गुणांक का मतलब हुआ है ना। चलिए, तो ये तो गुणांक का मतलब हो गया है ना। तो गुणांक का मतलब आप समझ गए, एक्स स्क्वायर के पीछे का संख्या। तो एक्स स्क्वायर के पीछे यहां कौन संख्या सूझ रहा है आपको, देखिए तो तनी ठीक से चश्मा लगा के। एक्स स्क्वायर के पीछे यहां कौन संख्या सूझ रहा है, यहां कोई संख्या नहीं सूझ रहा है, यहां वन है। तो मैं लिख दे रहा हूं फर्स्ट में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1। सेकेंड, एक्स स्क्वायर के पीछे आपको कौन संख्या सूझ रहा है, कुछ नहीं है, ये माइनस का चिन्ह दिख रहा है, यहां 1 तो है ही है। तो सेकेंड में एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया -1, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया -1। और थर्ड नंबर में एक्स स्क्वायर के पीछे पाई बटा 2 दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया कौन चीज हो, पाई बटे 2। और 4 नंबर में एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा, इसमें एक्स है ही नहीं, तो हम इसमें लिख सकते हैं ना प्लस देके 0 गुना एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर है ही नहीं और उसका गुणांक पूछता है, तो एक्स स्क्वायर के पीछे 0 लगा दीजिए। तो जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना माना जाएगा, 0 माना जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीन किताब रखिएगा अभी पास में, बहुत आसान एक्सरसाइज रहने वाला है। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। इसके लाखों करोड़ों आंसर हो सकते हैं, जो मन में लिख दीजिए, लेकिन शर्त है 35 घात का द्विपद। तो मैं लिख रहा हूं 35 घात का द्विपद, 35 घात का द्विपद, यानी 2 पद चाहिए और पावर 35 चाहिए। तो मैं लिख दे रहा हूं एक्स के पावर 35 प्लस 10x हो गया, 35 घात हो गया, क्योंकि घात का मतलब होता है जो सबसे बड़ा पावर होता है ना, वो बहुपद का घात होता है। तो एक्स के पावर 35 मैंने लिखा, इसका मतलब 35 घात वाला बहुपद हो गया। और द्विपद की बात कर रहा है, द्विपद, दू गो पद चाहिए है ना, हाँ तो हो गया, दू गो पद तो है। ओकरा बाद में कह रहा है कथी, 100 घात का एक पदी, वाह 100 घात का एक पदी बहुपद, तो लिख दीजिए ना 3x के पावर 100, एक ही तो पद है इसमें, एक ही तो पद है और 100 घात की बात है, तो 100, तो यहाँ 3 के जगह आप 2 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, इससे कोई परेशानी नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। घात का मतलब जो सबसे बड़ा पावर होता है ना, वो बहुपद का घात हो जाता है। तो 4 नंबर में बहुपद का घात लिखना है, घात लिखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 का फर्स्ट में एक बहुपद दिया है 5x³
प्लस चार एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स का घात कितना हो गया, बोलिए आप, पहले आप बोलिए इसका घात। घात का मतलब होता है सबसे बड़ा पावर, तो तीन भी है पावर में, दो भी है पावर में, एक भी है पावर में, तो सबसे बड़ा तो तीन हो गया, यही बहुपद का घात हो गया और क्या। सेकेंड नंबर में है चार माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका घात बताना है तो वाई का पावर दो, तो इसका घात हो गया दो। उसके बाद थर्ड नंबर में है फाइव टी माइनस रूट में सात, इसमें टी के पावर यहां एक है, तो इसका घात हो गया वन, इसका घात वन हो गया। बेहद आसान एक्सरसाइज है ये, और सिर्फ तीन दिया है तो तीन का घात पूछ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं तीन गुना एक्स के पावर जीरो, चूंकि एक्स के पावर जीरो का वैल्यू वन होता है, तो इसको लिख सकते हैं थ्री एक्स के पावर जीरो, इसीलिए इसका घात हो गया जीरो हो गया। ये चार नंबर था। अब पांच नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, पांच नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है ना, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती है। तो रैखिक का मतलब जिसमें x का पावर वन होगा, द्विघाती का मतलब जिसमें x का पावर दो होगा, और त्रिघाती का मतलब जिसमें x का पावर तीन होगा। तो चलिए पांच का फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ एक्स का पावर दो दिख गया, तो इसमें लिख दीजिए द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद हो गया आंसर। सेकेंड नंबर ऑप्शन में आ जाइए, इसमें लिखा हुआ है एक्स माइनस एक्स क्यू, इसमें एक्स का पावर तीन है, तो ये हो गया त्रिघाती बहुपद, ये त्रिघाती बहुपद हो गया। तीन नंबर में आ जाइए, तीन नंबर में लिखा है y जोड़ y स्क्वायर जोड़ चार, इसमें y का पावर दो है, तो ये हो गया द्विघाती बहुपद, ये द्विघाती बहुपद हो गया। चार नंबर में आपका कह रहा है वन प्लस एक्स, एक्स का पावर यहाँ कुछ नहीं है तो वन है, तो ये हो गया रैखिक बहुपद, एक्स का पावर वन रैखिक बहुपद, अंग्रेजी में कहिएगा तो कथी लिनियर पॉलिनोमियल, तो रैखिक बहुपद हो गया। थ्री टी, तो यहाँ भी टी के पावर वन है, तो टी के पावर वन है, तो ये भी हो गया रैखिक बहुपद हो गया। सिक्स नंबर में आ जाइए, आर स्क्वायर, अब भैया आर स्क्वायर है तो बस द्विघात बहुपद, द्विघाती बहुपद हो गया ये आपका। एंड लास्ट सात नंबर में सेवन एक्स क्यू, तो सेवन एक्स क्यू, तो इसमें एक्स के पावर तीन है, तो हो गया त्रिघाती बहुपद। इस तरह से नाइन्थ क्लास का एक एक्सरसाइज फिनिश मेरे तरफ से, बहुपद चैप्टर का 2.1 मैंने क्लियर कर दिया है। आप लोग इसका अच्छा से प्रैक्टिस करें, और नया एक्सरसाइज लेकर हम कल मिलेंगे आपसे। बाय बाय, गुड नाइट।